यह है दुनिया का आखिरी कोना, इसराइल से मुलाकात की जगह। अब तक जो भी मुख्तार के साथ कैद हुआ है उसे सजाए मौत हो चुकी है। उनमें से आखिरी शख्स एक अंधा था, इब्ने अफीफ के नाम से। उठो मुख्तार, मेहमान आया है तुम्हारा। मैं हूं अबू इसाक, तुम्हारा चचाजाद भाई जायदा। जायदा, तुम यहां दुनिया के आखिरी कोने में क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान बचाने आया हूं चचाजाद भाई, खुदा के वास्ते अब झगड़ा खत्म कर दो। एक जुमला कह दो कि तुम पशेमान हो ताकि इस कब्र से निजात पा सको। खुदा की कसम, अगर अमीर से माजरत कर लो और इजहार अफसोस कर लो तो तुम्हारी आजादी का हुक्म ले लूंगा। मतलब बेवजह अपने मुर्दगान के कब्रों की जियारत के लिए नहीं आए हो? बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने मुर्दगान को भी याद कर लिया, मगर जो ख्वाहिश तुम मुझसे कर रहे हो उसकी भी कोई तहजीब होती है। अबू इसाक, खुदा की कसम, तौबा नहीं करोगे तो अमीर तुम्हें मार देगा। खुदा की कसम, मैं उसे कत्ल करूंगा और उसकी शक्ल पर लात मारूंगा। कितनी अजीब बात है, गुलो जंजीर में भी सरकशी दिखा रहे हो अबू इसाक। मैंने सुना था कि बाज अली के चाहने वालों की तरह वहमो ख्याल में मुब्तला हो गए हो, मुझे यकीन नहीं आता। खुश आमदीद आसमा, जो कुछ तुमने आज सुना है उसे हमेशा याद रखना, उस दिन तक जिस दिन मैं तुम्हें खुदा का मौजज़ा दिखाऊं। तुम्हारी आंख के जख्म के लिए मरहम लाया हूं अबू इसाक। काश मेरे दिल के जख्म के लिए मरहम लाते। तुम्हारी जबान के जख्म से खुदा की पनाह। अस्मा ख्वाजा गवाह है कि इसने खुद देखा है कि मैंने कितनी मुश्किलों से मरहम तुम्हारे लिए हासिल किया है। बड़ी जहमत की चाचा साहब भाई, यह जख्म मेरी तन्हाई का साथी बन गया है, हम आपस में दोस्त बन गए। यह मेरा राजदार और सब्र का बायस है। अगर ये ठीक हो जाए तो मेरे दिल के दर्द को कौन सुनेगा? जाओ, मुझे तुम्हारे मरहम की जरूरत नहीं है। मेरा दिल खुश था कि मैं अपने चचाजाद भाई की कोई खिदमत कर सकूंगा। क्या मुझे खुशी हासिल नहीं करने दोगे चचाजाद भाई? अपनी शक्ल कम करो, बगैर तो बिके हुए नौकरों। मार डाला मुझे, पागल हो गए हो दीवाने? मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। मक्के में मेरी बहन सफिया को खत लिखो, उसे कहो कि अपने शौहर से यजीद को खत लिखवाए कि मेरी रिहाई तलब करे। मार दूंगा तुम्हें, छोड़ दो मुझे, मार दूंगा तुम्हें। नमक हराम खुद फरोश हो गए हो मुख्तार, मार दूंगा तुम्हें, छोड़ो। इस जेल के तंगोतारी कैदखाने ने भी तुम्हें इंसान नहीं बनाया। अफसोस के आकाओं की ताकीद की वजह से मैं मजबूर हूँ, वरना तुम्हारी इस गर्दन को तोड़ देता। हराम है कि तुम्हारे साथ कोई नेकी की जाए। मैं बहुत बड़ा अहमक था कि मैंने चाहा कि तुम्हारे साथ सिले रहम कर लूं। तुम्हारा हक बनता है कि जिंदा मरो, इस कदर इस कब्र में रहो कि सड़ जाओ, मर जाओ।
قربان جاؤں وہاں پر, امیر المومنین یزید کا خط ہے. حیرت انگیز بات نہیں ہے بھائی, جس کو ویران کر دینے والی ہوائیں نہیں ہلا سکتی تھیں, ایک چھوٹے سے پھوڑے نے اس کے گھٹنے ٹکا دی. بالکل اس مچھر کی سی مثال ہے جو نمرود و شداد کے کان میں گھس بیٹھا اور اس کی جان لے لی. خدا نہ کرے. ہمارا جوان خلیفہ کس حال میں قاصد؟ خدا نہ خواستہ کسی نے اس کا سکون تو برباد نہیں کیا نا. نہیں, خدا کا شکر ہے کہ خلیفہ کا سکون برقرار ہے. خدا کا لاکھوں بار شکر ہے, خدا کرے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہم فدائیوں کے ساتھ جو بھی ہو سو ہو. بنوریس. جی امیر. قاصد خلیفہ کو لے جائیے اور شاہانہ پذیرائی کیجیے, یقیناً وہ تھکے ہوئے ہوں گے. جی امیر. اف, اس قدر حماقت اور بچپنے پر دمدمی مزاج اور یاش آدمی, اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اس نے. جب تک حسین زندہ تھا اس کو میری کرسی خراب کرنے کی پڑی ہوئی تھی کہ حسین کو مار دو, حسین کو مار دو. اب جب کہ حسین مارا گیا ہے تو افسوس کر رہا ہے. بے وقوف, جاہل, گھٹیا, بندر باز آدمی, یہ کیا کھیل مذاق ہے؟ ارے 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 ارے, ارے. جاہل کم عقل کہیں گا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا دھرا ہے وہ سب ایک سفید داڑھی والے بڈھے کے مشورے پر خراب کر دے. گدھے نے معاویہ کی ہوشیاری اور سمجھداری میں سے ایک ذرہ بھی ورثے میں نہیں پایا. ایسا کیا لکھ دیا جو آپ اتنے غصے میں آ گئے؟ کیا لکھا ہے؟ اپنے قتل کا حکم اپنے ہی نالائق ہاتھوں سے مہر کر دیا ہے. جاؤ پڑھ لو. لکھا ہے فوراً مختار ثقفی کو زندان سے آزاد کر دو. پتا ہے کیوں؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے کی گواہی کے مطابق مختار کا کوفے کے حادثات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. خمار باز لڑکا, خلیفہ ثانی کا بیٹا, مختار کا بہنوئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت میں ہے, نہ کہ اس کے خلاف. یقیناً مختار نے اپنی بہن سے مدد مانگی ہے. اس کی بہن نے اپنے بیوی کے غلام شوہر سے یہ چاہا ہے کہ کچھ جھوٹی باتوں یا مٹھی بھر وعظ و نصیحت کے ساتھ اور کچھ الفاظ کی چاشنی اور مٹھاس کے ساتھ یزید کو خط لکھے اور مختار کی آزادی طلب کرے. تف ہے اس سیاست میں ہارے ہوئے باپ کی قبر پر. آپ بھی اپنا منہ گندا کر رہے ہیں. آپ بھی خلیفہ کو خط لکھ کر اسے ماجرے کی حقیقت سے آگاہ کر دیں. نہیں ہو سکتا ماقال, نہیں ہو سکتا. یزید حسین کے واقعے سے ڈر چکا ہے. اپنے آخری خطوط میں سارا کا سارا قصور ہمارے سر پر ڈال رہا ہے. ہماری خواہشات کا یا تو جواب نہیں دے رہا یا کسی نہ کسی بہانے سے انہیں ٹال رہا ہے. کتنی بار لکھ چکا ہوں کہ رے کی حکومت کا حکم پسر ساتھ کے لیے بھیج دو. کہاں ہے؟ بھیجا اس نے. اس ماں کی یتیم نے کچھ کم خدمت کی ہے کربلا کے واقعے میں؟ وہ پاگل ہو گیا ہے اس قدر آج کل کر رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یزید اس سے زیادہ خدمت کا لائق ہی نہیں ہے. اسے آزاد کر دیتا ہوں, مختار کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ خواب خوراک خلیفہ پر حرام کر دے.
खुश हूं कि तुम्हें जिंदा देख रहा हूं बेटा। तुम आजाद हो गए मुख्तार, आजाद हो गए। उम्मीद है कि जिंदान तुम्हारे लिए इब्रतंगेज सबक बन गया होगा ताकि तुम अपनी सरकश तबीयत को महार कर सको। इंसान एक अजीब मखलूक है, तबीयतन गुनाह का रुझान रखता है, बिल्कुल आदम और बशर की तरह। हम सबको इस बात की जरूरत है कि हमारी रस्सी को ढीला या कस दिया जाए ताकि हमेशा हम अपनी मनचाही राह पर ना चल सकें। खलीफा की मुदाखलत बायस हुई कि तुम्हें ना मारूं, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। अलबत्ता बिन हुरैज और अपने बहनों के लिए दुआ करो, एक ने मुझसे शफात की है और एक ने खलीफा से। लेकिन ये ख्याल रखना मुख्तार, मुझे कोई मौका मत देना। तुम आजाद हो मुख्तार, बिल्कुल आजाद। सिर्फ एक शर्त है, कूफा में मत रहना। तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं ताकि कूफा से निकल जाओ। 4th दिन अगर तुम कूफा में नजर आए, तुम्हारा खून तुम्हारे जिम्मे, दफा हो जाओ। आजादी इस हजदे की आजादी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, खुद खलीफा ने चाहा है। मुझे मलामत मत कीजिए। और ये रहा खलीफा का 2 टोक हुक्म, आप खुद ही पढ़ लीजिए। खलीफा ने ऐसी खता क्यों की है? इंसान खता का पुतला है शिमर, खास तौर पर यजीद जैसा खलीफा जो कि शायर भी है। शायरों के मिजाज रंग बिरंगे होते हैं, बिल्कुल मौसम बहार की तरह, बाज़ औकात गरजने बरसने वाले और कभी पुरसुकून। आजादी है मुख्तार, यानी हमारे कत्ल का हुक्म। हाँ, खुद यजीद भी मुख्तार के खतरे से बाहर नहीं है। तो फिर कुछ करना होगा। पिसर साद, तुमने खुद खलीफा के लहजे को देख लिया है, मेरे हाथ से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो सोचिए मत। मुख्तार को मार देना चाहिए। मार दो, मगर कूफा में नहीं। मैंने उसे 3 दिन की मोहलत दी है ताकि कूफा से निकल जाए। अगर वो कूफे में हुआ, मोहलत खत्म ना हुई और तुम लोगों ने उसे मार डाला, तो मुझे ला मुहाला खलीफा की हुकूमतदूली के जुर्म में तुम लोगों को किसास करना पड़ेगा। सब्र करो ताकि वो कूफा से निकल जाए। कूफा से बाहर मारा जाए तो मुझसे कोई वास्ता नहीं। ओहो, दरवाजा खटखटा रहे हो, छलांगे मार रहे हो, अब बस करो। अपने तबेले का दरवाजा भी क्या इसी तरह खटखटाते हो? वालेकुम अस्सलाम फुप्पी की जान, कैसा बेटा है, क्या अदब और नजाकत है। तुम्हारी माँ कहाँ है? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया। गलती से अपनी 2 इंच की जबान मत हिलाना। हाँ, खुदा ना खास्ता गूंगे हो जाओगे। तुम मेरी माँ और इस घर की जान क्यों नहीं छोड़ देती पुप्पी? वाह वाह वाह, खुदा की पनाह,
कितनी तेज जबान है, सांप का जहर या बिच्छू का डंक। बेशरम लड़के, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी के बाल तक नहीं उगे तो ये हाल है, तो दाढ़ी मूछ निकलने के बाद क्या आफत बन जाओगे। मैं मुख्तार का बेटा हूँ पुप्पी, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, समझता है किसी सिकंदर का बेटा है। तुम और तुम्हारा बाप अजाब के फरिश्ते हो, खुदा की कसम जमाना बदल गया है। आधे गज का लोथड़ा क्या कद निकाल रहा है, ना कौम और कबीले की हुर्मत का ख्याल है, ना बड़े छोटे की तमीज। क्या हुआ है बहन, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये लड़का मुझसे क्यों उलझ रहा है? ए बहन, ये भी मुझ बदनसीब की किस्मत का एक तमाशा है, इनमें एक बार जरूर मेरा खून जलाता है। गेंदे के फूल के पौधे से गुलाब की कली तो उगने से रही बहन, ऐसे निराले ही पैदा होते हैं। मुख्तार ने क्या गुल खिलाए होंगे जो उसका बेटा खिलाएगा। तुम्हारा अपना कसूर था बहन, जब से तुम मुख्तार की नजरों में कमतर हुई हो, इस बच्चे ने भी देखा देखी बाप की हरकतें शुरू कर दी हैं। ये हरकतें नहीं है, बाप के फिराक में बच्चे मसीह चिड़चिड़े हो गए। अम्मा देखिए बाबा की सूरत बन गई ना। उम्र कैसा है जारिया, बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी दुआएं हैं, तुम खुद कैसी हो? कल की तरह, परसों की तरह। अब तक मैं मुख्तार के ना होने की आदत नहीं डाल सकी हूं। दरवाजे की हर आवाज में मेरा दिल बेचैन हो जाता है, मेरे ख्वाबेश ज़्यादा हो गए। अपनी मौत के दहाने तक मुख्तार की राहें तकती रहूंगी। तुम कुछ भागदौड़ क्यों नहीं करती हो बहन? मुख्तार के ऐसे रुसूख वाले रिश्तेदार कम नहीं हैं। तुम हसद क्यों नहीं करती नारिया? जरा अपनी सौतन की तरफ देखो कि जो हर कसो नाकस के आगे हाथ जोड़ती फिर रही है कि मुख्तार के लिए कुछ कर सके, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्तार को पता चलेगा तो उम्र मजीद उसकी दिलो जान नजर आने लगेगी उसे। तुम बस बैठी रहो, जिगर जलाती रहो, ख्वाब देखती रहो। कल को मुख्तार आजाद हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत तुमसे है वो भी उम्र को नसीब हो जाएगी। तुम दुआ करो मुख्तार आजाद हो जाए, उसकी सारी मोहब्बतें उम्र को बख्श दूंगी। जब तक मुख्तार आजाद था उसे एक आधा इंसान देखती थी, वो इंसान जो आधा मेरा है और आधा उम्र का है। जब से वो कैद हुआ है मैं समझ गई कि सिर्फ उसका साया 10 मर्दों से ज्यादा अहमियत रखता है। हाय, तुम कितनी सादा लो और दिल लगी वाली औरत हो। उम्रा मेरी सौतन होती तो उसका दिल सीख में पिरो के खा जाती। तुम्हारा दिल उसके साये पर खुश है, वो साया है कि जिसकी ठंडक तुम्हें मिलती है और गर्मी बानो उम्रा को। गम मत खाओ, शायद इन्हीं दिनों तुम्हारा सरताज आजाद हो जाए, बाकी वल्ला आलम। क्या तुमने ऐसा कुछ सुना है जारिया? उमर ने कुछ बातें की जो मुझे खूब समझ में नहीं आई। गोया सफिया के शोहर ने यजीद को खत लिखा है कि जिसमें मुख्तार की आजादी की दरख्वास्त की है। ए बहन, यजीद शाम में है और मुख्तार कूफे में कैद है। सफिया के शोहर को इब्ने ज़ियाद के लिए खत लिखना चाहिए था, ना कि यजीद को। शायद लिख दिया हो, किसी को क्या पता। हमें इंतजार करना होगा कि उमर महल से आ जाए, उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। यकीनन कुछ ऐसी खबरें होंगी जिनसे उसे मुख्तार की आजादी की बू आई है। कुछ वईद नहीं कि उमर आज महल से आए तो हम दोनों को वो खुशखबरी सुना दे।
तुम अपने शोहर को पालोगी और मैं बन जाऊंगी शहजादी मुल्केरे। एक महीने से रे की सफर की तैयारी करके बैठे हैं, पता नहीं खलीफा क्यों आजकल। तेरे सारे हुसैन के बदले में बहुत छोटा सा मामला है। उमर साद को सुलेमान नबी की हुकूमत तलब करनी चाहिए थी। मुख्तार जारिया, तुम और तुम्हारा शाहर मुल्क रे की बादशाहत का ख्वाब अपने साथ अपनी कब्र में लेकर जाओगे। ये फर्जंद रसूल का वादा है। तुम लोग मुल्क रे की गंदम भी न खा सकोगे। जाओ जारिया, एक मलून ज़ईफ़ा का खून मेरे घर में बहना शर्मिंदगी का बाइस न होता तो तुम्हारा सरतन से जुदा कर देता। तुम लोगों के तहफ़ुज़ ने कूफा की हवा को जहरीला बना दिया है। मुख्तार, पूरा कूफा जानता है कि तुम्हारी तलवार बड़ी तेज धार वाली है। मुझे लगता था कि मुख्तार की तलवार जितनी भी तेज हो कम से कम कौम कबीले की रग नहीं काटेगी। नारिया, इस इफ्रियत और इसके शौहर की तलवार ने खून खुदा बहाया है, खुदा की रग काटी है। हुसैन का खून खुदा का खून था जो करबला की तपती हुई रेत पर बहाया गया। आज आखिरी बार शैतान ने अपने नापाक कदमों और सांसों से मुख्तार अबू उबैद सकफी के घर को नजिस किया है। दफा हो जाओ। वैशी था जिंदा ने इसे मजीद वैशी बना दिया। खुदा इस जैसा वैशी भाई बयाबान के भेड़ियों को भी ना दे। ऐ जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ऐ जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ऐ रोते हुए बूढ़े, घर आना मुबारक हो। ऐ जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। तरन्नुम और रक्स और तरब का लश्कर, उसे परियों के पर ऊपर बिठाओ ताकि पैर की तकलीफ भूल जाए। आओ गाने बजाने के जादू से, अपनी नाजनी आंखों के जादू से हाथ गर्दन और कमर मटका के हमारे उदास अमीर का तमाम दर्द और गम खत्म कर दो। उनके जिस्म जान से अदाएं निछावर करो, ठुमका लगाओ और नाचो। अजब है शब सुहानी, कशिश जो तेरी छाई, मेरी नींद है उड़ाई। अजब है शब सुहानी। दफा हो जाओ कनीज जहदियो, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी बदबू से नाक पे हाथ रखोगी। आज ये वक्त आ गया है मुझ पर, मेरे पास से बदबू आ रही है बदबू, मेरे पास से बदबू आ रही है शरीफ जहदियो। तुम्हारी
वजह से आई है। माफ कर दो मुझे। तुम रात मेरे लिए अजाब लेकर आते हो ताकि तुम मुझे मजाक उड़ाओ। मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा। मेरे कोस से बदबू आती है। मार दूंगा तुम्हें, जान ले लूंगा तुम्हारी। माकल मेरे भाई, माकल माकल मरना मत, माकल मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के मत जाना माकल। हीला कर मक्का, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी तो ऐसी की तैसी, कम से कम अपने पांव पर तो रहम करें। आज के बाद रात की तुरंत महफिल बंद, समझ में आया? मेरा पैर, मेरा पैर। क्या हुआ, इतने पागल क्यों हो गए? मेरे मुंह में खाक, कोई जिन देख लिया या उन लड़कियों के सर पे सींग थे? वही जो तुमने सुना है, आज के बाद कोई भी महफिल हमारे नाम पर या हमारे दर्द की तस्कीन के बहाने बरपा होगी तो उसके बानियों का सर काट दूंगा। इनकी तहकीर आमेज नजरें 100 गालियों से ज्यादा बदतर हैं। ये औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नजस देख लिया हो। नहीं, आप यजीद के खैर संजीदा अहकाम पर भड़के हुए हो और खामोखा इस बिन मा के माकल और तरब के महफिल पर अपना बुखार निकाल रहे हो। मैं थक गया हूँ ऐसे बेहुदा नौजवान की खिदमत कर करके। हुसैन के किस्से पर भी सोच सोच के पागल हो गया हूँ। समझ नहीं पा रहा है कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई। बस एक दफा उस बंदरबाज इंसान की वजह से जो मैं गड़े में गिरा हूँ, ये मेरे 7 पुश्तों के लिए काफी है। ये सर फिरा नौजवान हम पर सरदारी करने का हक नहीं रखता। बिल्कुल सारी बातों का इनकार कर दिया उसने। लाना बस कम आंख का जख्म ठीक होने तक रुक जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। मैं शहर बदल हो गया हूं नारिया। शहर बदल का क्या मतलब बाबा जान? यानी शहर और घर बार को छोड़ देना, घर और शहर से निकाल देना शहर बदल कहलाता है बेटा। तुम्हें 3 दिन मोहलत दी है ना, क्या नहीं दी? हाँ, मोहलत दी है मगर अमान नहीं दी है। नारिया, मेरे दिल की आग अगर बुझ गई तो मुर्दों में शुमार होगा। औरतों के आंसू आग पर पानी का काम करते हैं। राजी नहीं कि मेरे घर मौजूद में तुम बेताब हो जाओ। चाहती हूँ मुख्तार को उसकी जंग में मदद करो, बुढ़पारी का मुजाहरा करो। साबित। जी बाबा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर के मर्द हो, अपने काम में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मर्दाना वादा करो कि अपनी बहन और माँ के साथ रहमदिली दिखाओगे, इन लोगों की दिल आजारी नहीं करोगे। है तो मुश्किल काम बाबा, मगर क्योंकि आप कहते हैं तो जरूर। जब भी जारिया हुप्पी और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। दारिया, अगर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती हो तो मेरी बहन जारिया से दर्द दिल करो।
अपने आप पर रहम करो, जारिया की हम नशीने तुम्हें अहले दोज़ख बना देगी। यही कहीं होगा, उतरो। साहिल को अच्छी तरह छानो, इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ होगा। एक दूसरे से जुदा मत होना कि तुम्हारा खून बह जाएगा। तीन तीन के ग्रोह बना लो, अकेले मत घूमना कि मुख्तार एक खतरनाक शमशीर जन है। इन्हीं झाड़ियों के चप्पे चप्पे को छान मारो। तुम्हारा सवार कहाँ है दोस्त? अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं समझ गया। अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया है, तुम्हें मदद के लिए भेजा है ना? हाँ। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था दोस्तों, अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया, हम मदद के लिए चलते हैं। तुम रास्ता दिखाओगे, चलो मेरे साथ। चाल थी अहमको, तुम में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि उसे रोक लेते? मेरे दिमाग में आया था, मगर तुम सरदार हो, मैंने देखा तुम चुप हो तो मैं भी नहीं बोला। चुप हो जाओ, उसके साथी लग रहे हैं। जल्दी करो, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, भागो।
आदमियों को कैद कर लो, इनके मुंह खुलवाने होंगे। अबू इसहाक, कहां हो अबू इसहाक? मैं हूं कियान। मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं हूं कियान। अपने आप को जाहिर करो, खतरा टल गया है, चेलों को भगा दिया है हमने। अच्छी तरह देखो ज्ञान, शबाहत रुस्तम रखता हूं क्या मैं? तुम हमेशा मेरे ख्यालों के रुस्तम हो मुख्तार। रुस्तम की आंख जख्मी नहीं थी। पहलवान के जिस्म पर तो हर जख्म जीनत होता है, ये सूलिए के साथ तो और दिलचस्प हो गए हो। रो क्यान, गिरिया करो। मजलूम तश्त नवा के लिए खून के आंसू रोना चाहिए, अश्कों से नहीं। तुम क्यों काफिला इश्क से पीछे रह गए? रास्ता भटक गया था अबू इसहाक। जब तुम जैसा रस्तों का आशना रास्ता भटक जाए तो नाबल्द लोगों का क्या गुनाह? रास्ता बंद किया हुआ था, बेराहे से गया, जितना भी दौड़ा मकसद को ना पा सका। जब नैनवा पहुंचा तो सारे बुरी धान्य से पड़ता। शर्त इश्क जुनून है, हम रह गए क्योंकि मजनू न थे। ये नारा तुमने इन लोगों को सिखाया है? ये नारा तुम्हारी कल्बी आरजू है अबू इसहाक। मैं एक जरिए से बढ़कर कुछ नहीं।
یا لسارات الحسین، بخدا قسم زندان میں میرے دن رات کا ذکر یہی تھا کہ زندہ رہوں اور خون حسین کے انتقام کے لیے قیام کروں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ خدا کا وعدہ ہے، بہت جلد ستمگر جان جائیں گے کہ کس طرح وہ زیر و زبر کیے جاتے ہیں. خدا کا درود ہو تم لوگوں پر. خوش آمد آواز. خوش آمدید، آزادی مبارک ہو ابو اسحاق، تمہارے قدم مبارک ہو، بہت یاد کرتے تھے تمہیں ابو اسحاق. ان کے منہ کھلوائے؟ جی، یہ شمر ابن ذوالجوشن عمر سعد کے چیلے ہیں، ابو اسحاق کو مارنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کی پناہ میں میرے آقا، آپ کی پناہ میں مختار. مجھ سے غلطی ہو گئی ابو اسحاق، بیجا خطا ہو گئی، میرے بزرگان کی روح پر تف ہے، میں بے گناہ ہوں، پانچ سات لوگوں کا روزی کھلانے والا ہوں. عمر سعد نے 100 دینار کا وعدہ کیا تھا اور آدھا ہاتھ میں دے کر بھیجا. مجھے معاف کر دو مختار، اس فقیر کے باپ پر لعنت جو کہ صرف 100 دینار کی خاطر دھوکہ کھا جاتا ہے اور دلیر ترین مرد کے قتل پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. مجھے معاف کر دو مختار، جب تک زندہ رہوں گا تمہارا مرید رہوں گا. اٹھو سر، آنکھوں پر ابو اسحاق. جاؤ اور عمر سعد سے کہہ دو کہ مختار جب تک تجھے نہ مارے نہیں مرے گا. سر آنکھوں پر، خدا تمہارے بازوؤں کو اتنی قوت دے کہ ان بے غیرتوں سے عوام کو نجات دلاؤ. دن رات دعا کروں گا تاکہ دلی مراد پوری ہو. خوش آمد کرنا بند کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ بھی سر آنکھوں پر پہلوان، میرا گھوڑا دے دو، ابھی دفع ہو جاتا ہوں. گھوڑا تو جنگی غنیمت ہے، جاؤ خدا کا شکر کرو کہ تمہارا سر تن پر باقی ہے. پہلوان خدا کی قسم گھوڑا میرا نہیں ہے، ایسے ہی گیا تو ایک سال تک بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑے گا. یہ لو 50 دینار غنیمت کے طور پر رکھ لو اور گھوڑا مجھے دے دو. شکل ہے مکار کی، جاتے ہو یا شکل بگاڑ دوں مکار کی. تمہارے زندہ و مردہ پہ لعنت، کون سا گدھا بول رہا تھا کہ مار دیں گے قتل کر دیں گے؟ تو پھر کیا ہوا؟ گھوڑے کی عقل ان جانوروں سے زیادہ ہے. سینگ والے گدھے دیکھتے ہیں، یہ 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 لو 20 مثالیں ہیں ہمارے پاس. کتنی عاجزانہ التماس کی تھی میں نے کہ ہوشیار رہنا، مختار وہ رند ہے جو تمام راستوں سے واقف ہے. سرکار آپ نے خود فرمایا تھا کہ مختار اکیلا ہے، ہمیں اس کے ساتھیوں کا اندازہ نہیں تھا، مختار ہماری مٹھی میں تھا کہ اس کے ساتھی آ گئے. ابے چپ کر جاہل عقل سے پیدل، ایک ذرہ برابر بھی عقل ہوتی تو مختار کے گھوڑے کا راستہ روک لیتے، اس کے بعد دیکھتے کہ مختار تنہا ترین اکیلا ہے. اب جہنم میں جاؤ، تمہاری شکلیں نہ دیکھوں میں. لاش کھانے والے جانور، کچھ بولو شمر، کیا کریں؟ اونٹ پر چھپ کر نہیں بیٹھا جا سکتا، مختار کو کھلم کھلا مارنا ہوگا. وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں تک پہنچا چکا ہے، چار اندھے بوڑھے سپاہیوں کے ساتھ اسے نہیں پکڑا جا سکتا. ہمیں ایک لشکر تیار کر کے اس سے پہلے کہ مختار مزید لشکر جمائے اسے ختم کر دیں. کون سا لشکر شمر؟ اپنے مردگان کی قبروں سے سپاہی لے کر آئیں؟ شیخ صاحب کس لشکر کے ساتھ رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ مجھ سے چال کھیلو گے ماں کے یتیم؟ میرا مذاق اڑاتے ہو خبیث کہیں گے؟ کربلا میں میں صرف تمہارے ہاتھوں اس گڑھے میں گرا ہوں، تم نہ ہوتے تو خون حسین سے میرا ہاتھ آلودہ نہ ہوتا. تم حکومت رے کے لالچ میں گڑھے میں گرے ہو، میرا گربان کس بہانے پکڑ رہے ہو؟ جب حسین سے جنگ کرنے کا حکم تمہارے ہاتھ میں دیا تھا میں نے، تو گھوڑا گھما کر واپس کیوں نہیں آ گئے؟ کیوں رہ گئے؟ مردوں والی بات کرو، جب گناہ کیا ہے تو منہ مت چراؤ. میرا ہاتھ اور تمہارا ہاتھ دونوں ایک جتنے خون حسین سے آلودہ ہیں، سمجھے؟ کیوں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو؟ مختار نے ابھی تلوار نہیں کھینچی تو تم لوگوں کی جان جا رہی ہے.
जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? मुख्तार तुम्हारे हाथ से निकल गया, यकीनन कहीं ना कहीं तुम लोगों की गलती थी। बजाय इसके कि अपनी गलती पर गौर करो, एक दूसरे को काट रहे हो। बानो, शेख खून हुसैन को हमने सर नहीं लेना चाहते। पास मत करो भेड़िए की औलाद। ये लीजिए, अब इसकी ज़बान भी गंदी हो गई है। उमर को मेरी खातिर माफ कर दो शिमर, वो आजकल तल्ख ज़बान, बदमिजाज और बद अखलाक हो गया है। ये क्यों नहीं कहती कि दीवाना हो गया है? दीवाने ना होते तो शिमर से ना झगड़ते। तुम और शिमर एक प्रकार के दो हिस्से हो, साथ रहोगे तो काट सकोगे। सुना नहीं कि किस तरह रे के लफ्ज़ को ज़बान पे ला रहा है, मुझ पे इल्जाम डाल रहा है। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारी ज़बान हकलाने नहीं लगी, तुम्हारे कान भी कमजोर हो गए हैं। कूफे के लश्कर के सिपह सालार नहीं हो क्या? उस लश्कर के साथ मिलकर रे के फातह नहीं बनना चाहते? लश्कर कूफा? हाँ, लश्कर कूफा अमीर कूफा के हुक्म के बगैर कहीं से हिलता नहीं है। पगले, तुम क्या समझते हो कि मैं अब तक कूफे में क्यों हूँ? अगर मेरे इख्तियार में होता तो अब तक मुल्क रे के खाक को अर्श के मीनारों से मिला देता। उमर सही कह रहा है, अगर लश्कर कूफा का इख्तियार उमर के हाथ में होता तो हमें कैसा गम था। मुझे लगता है कि वादा हुकूमत रे एक चाल थी ताकि उमर को फरेब देकर हुसैन से लड़ने भेज दिया जाए। मैंने तो वादा वफा कर दिया, मगर खलीफा टाल मटोल कर रहा है और हुक्म नहीं भेज रहा। मुल्के रे की गंदम भी ना खा सकूंगा, नहीं खा सकूंगा। ये वादा हुसैन है। तुम्हें हसरे आशूर याद है शिमर? तुम्हें याद है हुसैन ने हमें क्या कहा था, तुम्हें और मुझे? मैं रे की गंदम भी ना खा सकूंगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता शिमर। और अगर ऐसा हो भी, मैं तो रे की गंदम खाने नहीं जा रहा, वहां की महंगी खुराक मेरे लिए काफी है। हाँ, जौ की रोटी खा लेंगे, जौ की रोटी पे गुजारा कर लेंगे, बस। बस भी करो उमर, खुद को संभालो। इस कदर परेशान हो तो तुम्हें मुख्तार से डरने की जरूरत नहीं है, ये दीवानगियां ही तुम्हें खत्म कर देंगी। खुद को संभालो उमर। तुम इन खुराफात को नहीं मानते थे? खुदा के वास्ते पागल मत बनो, हुसैन की बातें नाजिल होने वाली वही नहीं है। उसने मौका महल देखा और अंधेरे में एक तीर चला दिया ताकि शायद हम लौट जाएं। हुसैन मौत से वाला होता तो अपने आप को बचा लेता। उठो, मुख्तार के लिए कोई फिक्र करें, जितना उसे मौका देंगे उतना ही उसे मारना मुश्किल होता जाएगा। कूफे का लश्कर हमारे इख्तियार में नहीं है तो ना हो, मुख्तार को मारने के लिए हमारे कबीलों के लोग ही हमारे लिए काफी हैं, बशर्ते कि हम जल्दी करें और वक्त जाया ना करें। शिमर ठीक कहता है उमर, तोता पिंजरे से निकलकर उड़ गया है तो दोबारा जाल बिछाओ, कुछ करो, उसे शिकार कर लो। अगर उसे खुदा की अमान में रिहा कर दोगे तो वो एक हैबतनाक दरिंदा बनकर हम सबकी जान ले लेगा। उस खलीफे की औलाद ने हुक्म दिया है, मुख्तार को मार डालेंगे। खलीफा हैरान रह जाएगा कि तुम लोगों की आंखों पे अब्रू है। तुम लोगों के तहफ़ुज़ ने कूफा की हवा को जहरीला बना दिया है। मुख्तार, पूरा कूफा जानता है कि तुम्हारी तलवार बड़ी तेज धार वाली है। मुझे लगता था कि मुख्तार की तलवार जितनी भी तेज हो कम से कम कौम कबीले की रग नहीं काटेगी। नारिया, इस इफ्रियत और इसके शौहर की तलवार ने खून खुदा बहाया है, खुदा की रग काटी है। हुसैन का खून खुदा का खून था जो करबला की तपती हुई रेत पर बहाया गया। आज आखिरी बार शैतान ने अपने नापाक कदमों और सांसों से मुख्तार अबू उबैद सकफी के घर को
नजिस किया है। दफा हो जाओ। वैशी था जिंदाने से मजीद वैशी बना दिया। खुदा इस जैसा वैशी भाई भया बांध के भेड़ियों को भी ना दे। ऐ जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ऐ जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ऐ रोते हुए बूढ़े, घर आना मुबारक हो। ऐ जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। रहा तरन्नुम और रक्सो तरब का लश्कर। उसे परियों के परों पर बिठाओ ताकि पैर की तकलीफ भूल जाए। आओ गाने बजाने के जादू से, अपनी नाजली आंखों के जादू से हाथ गर्दन और कमर मटका के हमारे उदास अमीर का तमाम दर्द और गम खत्म कर दो। उनके जिस्म और जान से अदाएं निछावर करो, ठुमका लगाओ और नाचो। अजब है शब सुहानी, कशिश जो तेरी छाई, मेरी नींद है उड़ाई। अजब है शब सुहानी। दफा हो जाओ कनीज जादियो, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी बदबू से नाक पे हाथ रखोगी। आज ये वक्त आ गया है मुझ पर, मेरे पास से बदबू आ रही है। मेरे पास से बदबू आ रही है शरीफ जादियो। सब तुम्हारी वजह से आई है। माफ कर दो मुझे। तुम रात मेरे लिए अजाब लेकर आते हो ताकि तुम मुझे मजाक उड़ाओ। मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा। मेरे बहुत बदबू आती है, मार दूंगा तुम्हें, जान ले लूंगा तुम्हारी। माकल मेरे भाई, माकल माकल मरना मत, माकल मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के मत जाना माकल। हिला कर मक्का, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी तो ऐसी की तैसी, कम से कम अपने पांव पर तो रहम करें। आज के बाद रात की तुरब महफिल बंद, समझ में आया? मेरा पैर, मेरा पैर। क्या हुआ, इतने पागल क्यों हो गए? मेरे मुंह में खाक, कोई जिन देख लिया या उन लड़कियों के सर पे सींग थे? वही जो तुमने सुना है। आज के बाद कोई भी महफिल हमारे नाम पर या हमारे दर्द की तस्कीन के बहाने बरपा होगी तो उसके बानियों का सर काट दूंगा। इनकी तहकीर आमेज नजरें 100 गालियों से ज्यादा बदतर हैं। ये औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नजस देख लिया हो। नहीं, आप यजीद के खैर संजीदा अहकाम पर भड़के हुए हो और खामोखा इस बिन मा के माकल और तरब की महफिल पर अपना बुखार निकाल रहे हो। मैं थक गया हूँ ऐसे बेहुदा नौजवान की खिदमत कर करके। हुसैन के किस्से पर भी सोच सोच के पागल हो गया हूँ। समझ नहीं पा रहा है कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई। बस एक दफा उस बंदरबाज इंसान की वजह से जो मैं गड़े में गिरा हूँ, ये मेरे 7 पुश्तों के लिए काफी है। ये सर फिरा नौजवान हम पर सरदारी करने का हक नहीं रखता। बिल्कुल सारी बातों का इनकार कर दिया उसने।
قربان جاؤں وہاں پر امیر المومنین یزید کا خط ہے. حیرت انگیز بات نہیں ہے بھائی, جس کو ویران کر دینے والی ہوائیں نہیں ہلا سکتی تھیں ایک چھوٹے سے پھوڑے نے اس کے گھٹنے ٹکا دیے. بالکل اس مچھر کی سی مثال ہے جو نمرود و شداد کے کان میں گھس بیٹھا اور اس کی جان لے لی. خدا نہ کرے. ہمارا جوان خلیفہ کس حال میں قاصد؟ خدا نہ خواستہ کسی نے اس کا سکون تو برباد نہیں کیا نا. نہیں, خدا کا شکر ہے کہ خلیفہ کا سکون برقرار ہے. خدا کا لاکھوں بار شکر ہے. خدا کرے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہم فدائیوں کے ساتھ جو بھی ہو سو ہو. بنوریس. جی امیر. قاصد خلیفہ کو لے جائیے اور شاہانہ پذیرائی کیجیے. یقیناً وہ تھکے ہوئے ہوں گے. جی امیر. اف, اس قدر حماقت اور بچپن پر دمدمی مزاج اور یاش آدمی, اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اس نے. جب تک حسین زندہ تھا اس کو میری کرسی خراب کرنے کی پڑی ہوئی تھی کہ حسین کو مار دو, حسین کو مار دو. اب جب کہ حسین مارا گیا ہے تو افسوس کر رہا ہے. بے وقوف, جاہل, گھٹیا, بندر باز آدمی, یہ کیا کھیل مذاق ہے؟ ارے 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 ارے, ارے. جاہل کم عقل کہیں گا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا دھرا ہے وہ سب ایک سفید داڑھی والے بڈھے کے مشورے پر خراب کر دے. گدھے نے معاویہ کی ہوشیاری اور سمجھداری میں سے ایک ذرہ بھی ورثے میں نہیں پایا. ایسا کیا لکھ دیا جو آپ اتنے غصے میں آ گئے؟ کیا لکھا ہے؟ اپنے قتل کا حکم اپنے ہی نالائق ہاتھوں سے مہر کر دیا ہے. جاؤ پڑھ لو. لکھا ہے فوراً مختار ثقفی کو زندان سے آزاد کر دو. پتا ہے کیوں؟ عمر ابن خطاب کے بیٹے کی گواہی کے مطابق مختار کا کوفے کے حادثات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. خمار باز لڑکا, خلیفہ ثانی کا بیٹا, مختار کا بہنوئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت میں ہے, نہ کہ اس کے خلاف. یقیناً